एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित पहलवानपुर गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 1800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान अंजलि हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 70 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव में एक भी विद्यालय नहीं है जो गांव में शिक्षा की बदहाली स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। एक तरफ तो 62% साक्षरता की कही जाती है लेकिन प्रशासन की लापरवाही से गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड तालाब तथा नालियों का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 70 विद्युत पोल 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 17 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्राइमरी विद्यालय शमशान घाट पंचायत घर बारात घर तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधानपति चौधरी जितेंद्र ग्राम पहलवान ब्लॉक सरसावा जिला सहारनपुर। हमारे गाँव में बहुत बड़ी समस्या है कि कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। बच्चों को कहाँ भेजे दूसरे गांव में जाओ, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाने दूसरे गांव में। दूसरी समस्या हमारे यहाँ शमशान की, उसमें कोई रास्ता नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए वहाँ से जाते हैं, किसान लोग हैं वो रोक देते हैं मुर्दे को कि हमारे खेत में तुम ना जाओ। तीसरी समस्या यह है कि हमारे यहाँ से जो आंगनबाड़ी केंद्र है वही आंगनबाड़ी केंद्र है, वही पंचायत घर का वही उसी बरात घर का बहुत जरा सा है, बहुत छोटा है, कोई कोई सुविधा नहीं है। मेरे गांव में 3 सीसी भी करवाई हमने, सौर ऊर्जा लाइट लगवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, चैनल लगवाए गांव में, 70 शौचालय भी बनवाए अपने गांव में। एक रेलवे रोड हमारा बहुत गंदा रहा, 350 मीटर के करीबन उसकी लंबाई है, उसमें 1 फीट के गड्ढे हो गए। सरकार से मेरी यही मांग है कि भाई ये हमारी पूरी करी जाए।